हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉल्ड स्टार्टअप। मैं आप सभी का दोस्त शोर सिंगल और आज हम समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यू इश्यू मार्केट के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एज इन माई प्रीवियस वीडियो, आई हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट एंड आई हैव गिवन द ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट। ऑन द सेम वे, द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज सिमिलर एज कैपिटल मार्केट, और वी कैन से कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट्स डिस्कस इज अगेन। सो स्टॉक एक्सचेंज या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज वेयर स्टॉक ब्रोकर एंड ट्रेडर कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, जो कि आपकी शेयर ऑफ स्टॉक, राइट, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, सो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट है जहां पे आपके ट्रेडर आते हैं और स्टॉक ब्रोकर आते हैं और अपने जो भी सिक्योरिटीज है उनकी बाइंग और सेलिंग करते हैं, उनको ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज सिमिलर एज कैपिटल मार्केट। एज आई ऑलरेडी सेड दैट वी कैन से दैट कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड थिंग इज विच इज इंपॉर्टेंट एंड द मेन क्वेश्चन इज हु रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो बेसिकली सेबी इज द ऑर्गेनाइजेशन who regulate the stock exchange in India. We will discuss in detail in the upcoming video. That's fine, okay? So SEBI hai kya? Basically SEBI ek organization hai जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, ये क्यों बनाती है? जिससे कि जो इसका मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, मतलब कि जो मेन फंक्शन है वो क्या है भाई, जो कि आपके इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी एक्टिविटी को प्रोटेक्ट कर सके, उनको प्रमोट कर सके और वो रेगुलेट कर सके सिक्योरिटीज को जो कि आपकी कंपनीज के शेयर होते हैं उनको प्रमोट कर सके। ये सेबी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम आने वाली वीडियो में सेबी को ब्रीफली समझेंगे कि ये कब आई, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इससे पहले क्या था और आगे क्या हो सकता है, वो सब हम अपकमिंग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई न्यू इश्यू मार्केट क्या होती है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी मार्केट विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई लास्ट वीडियो, राइट। सो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे आपके पहली बार शेयर इश्यू होते हैं किसी कंपनी के द्वारा। ठीक है, आप प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी से ट्रेड करते हैं, आप इसमें मीडिएटर से ट्रेड नहीं करते। ठीक है, अब इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यू इश्यू मार्केट या फिर प्राइमरी मार्केट विच डील विद न्यू सिक्योरिटीज, इसको आप, मैं बार बार बोलते हैं, इसको आप ध्यान में रख लें, इसका आप नोट सुना लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which deal with the new securities being issued for the first time, जो कि पहले बार मार्केट में कोई भी कंपनी अगर इश्यू करती है शेयर को पहली बार, वो आपका प्राइमरी मार्केट होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गोज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स एंड यूटिलाइज द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मार्केट क्या है और न्यू इश्यू मार्केट क्या है। प्लीज कंफ्यूज ना हो, न्यू इश्यू मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट दोनों आपके सिमिलर, दोनों आपके एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अभी हम डीप डाइव जाएंगे न्यू शेयर में या फिर न्यू इश्यू शेयर में या फिर हम प्राइमरी मार्केट का आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो भाई, क्या प्रोसेस होता है किसी भी प्राइमरी मार्केट में अगर हम पहली बार कोई शेयर इशू करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है भाई? इसके तीन स्टेप है। पहला स्टेप है ओरिजिनेशन, देन अंडरराइटिंग, देन इशू ऑफ शेयर। भाई ओरिजिनेशन का मतलब क्या होता है? इसमें आपकी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है। मैं इसको बोल रहा हूं, आप इसके शॉर्ट नोट बना ले अपनी कॉपी में। ठीक है, ओरिजिनेशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसमें आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, वो क्यों, वो क्या काम करती है, क्या वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है फिर नहीं करती। ओरिजिनेशन में आपका बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होता है कंपनी का, उसका क्या प्रोस्पेक्टस है, उसके क्या मिशन विजन, वो सब कुछ इसमें इन्वेस्टिगेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका अंडरराइटिंग। भाई अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली अंडरराइटिंग कोई भी हो सकता है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, ये कोई भी फर्म हो सकती है, ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे शेयर सारे सब्सक्राइब नहीं हुए,
अगर हमारे सारे शेयर मार्केट में नहीं बिके तो जो बचे हुए शेयर हैं वो उसको कौन परचेस करेगा, उसको अंडरराइटर परचेस करेगा, जिसको हम अंडरराइटिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मुझको 4000 शेयर इशू करने, कितने 4000 मुझको इशू करने, बट मार्केट में क्या हुआ कि मेरे पास 3000 शेयर बिके हैं, 3000 शेयर मेरे सब्सक्राइब हुए हैं। अभी 1000 जो है इसकी गारंटी लेता है आपका अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या बोलता है कि जो भी आपके शेयर अनसब्सक्राइब्ड बचेंगे मैं उनको परचेज कर लूंगा, और उसी परचेजिंग प्रोसेस को हम अंडरराइटिंग कहते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको इसके शॉर्ट नोट बना लें। मैं रिपीट करता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, जो कि आपके अनसब्सक्राइब्ड शेयर होते हैं उसको कौन परचेज करने की गारंटी लेता है, उसको परचेज करने की गारंटी लेता है अंडरराइटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका इश्यू ऑफ शेयर। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपने अपने शेयर मार्केट में उतार दिए। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर, या फिर इश्यू ऑफ न्यू शेयर इन प्राइमरी मार्केट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे भाई, इसका वे क्या है, या फिर क्या क्या टाइप होते हैं न्यू शेयर के, या फिर क्या क्या टाइप होते हैं न्यू इशू शेयर के। इट्स नॉट न्यू शेयर, इट्स न्यू इशू शेयर। ठीक है, इसके क्या टाइप होते हैं या फिर क्या क्या तरीके हैं न्यू इशू शेयर को, न्यू इशू मार्केट में बेसिकली। ठीक है, इसके तीन तरीके होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट ऑफ इशू, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था वर्बली। आई होप आपने उसके भी नोट्स बना लिए होंगे। पहला तरीका है आपका बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ टू द पब्लिक। ठीक है, बेसिकली आपने आईपीओ निकाल दिया। दूसरा तरीका है आपका प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लास्ट है आपका राइट इशू। ठीक है, मतलब कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले पूछ रहे हैं कि आपको हमारे शेयर चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपके तरीके होते हैं प्राइमरी मार्केट में शेयर को फ्लोट करने का। इसके अलावा भी बाकी तरीके हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, आई होप आपको वो याद होंगे। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ न्यू इशू मार्केट। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस है इसकी। पहली एडवांटेज है दैट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मीडिएटर, वेयर एज इन द सेकेंडरी मार्केट द मीडिएटर इज अवेलेबल। इट मीन्स द मीडिएटर विल चार्ज कमीशन, वेयर एज इन द प्राइमरी मार्केट मीडिएटर विल नॉट चार्ज कमीशन। व्हाई? बिकॉज देयर इज नॉट ए सिंगल मीडिएटर इन द प्राइमरी मार्केट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है। देन लेस चांस ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन, इसमें प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और आपका लास्ट एडवांटेज है इसका ऑफर डाइवर्सिफिकेशन। आई होप आपको इसके एडवांटेज के लिए होंगे। बेसिकली आपका इस टॉपिक से रिलेट करते हुए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सो आप इस चीज चिंता मत करें। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी फंक्शन होते क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है। अगर आपका 15 नंबर में आ गया कि भाई मार्केट, आपको कैपिटल मार्केट का ओवरव्यू देना है, तो आप सब कुछ लिख देना, कैपिटल मार्केट क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में करा रखी है कि कैपिटल मार्केट की एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, आप वो सब उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप उसमें ये सब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द एग्जांपल, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम लास्ट चीज पर आते हैं, जो कि आपका डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी मार्केट। सो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। भाई इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डाटा ऑफ द कंपनी। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट। आई होप आपको प्राइमरी मार्केट का डिटेल में मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेबी के बारे में जानेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको कुछ डिमांड है, सो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने डाउट अपने डिमांड को कमेंट करें, हम उसको रीड करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। और एट द एंड प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे
अब हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप स्माइलिंग, कीप किलिंग।